कि शायद इस वृक्ष के नीचे हम बैठ के इसके साय में आराम कर लें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो वृक्ष से दूर रहेंगे तब, वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तब, किसी कंडीशन में उनकी बख्शाइश नहीं हो सकती। वृक्ष माने भाजपा समझा जाए, यूपी की भाजपा, वो एक ऐसा बट वृक्ष जिसके नीचे कोई फसल नहीं होती, वो घास भी नहीं जमती। कई विधानसभा में उसमें एक बार ऐसे शख्स गए कि उन्हें बाहुबली का शुमार नाम दिया जाता है, और वहां से लोगों ने आपके परिवार पर भी टीका टिप्पणी की। तो इसको किस नजरिए से परिवार देखता है आपका? अरे साहब जाने दीजिए, आपके जुबान में भी हिम्मत नहीं है कि वो क्या पद उनको देना चाहिए। आप उनको शंकराचार्य डिक्लेयर कर दीजिए, जनता की निगाह में, गरीबों की निगाह में उनका जो मुकाम है वही रहेगा, किसी मंच पर बैठे और किसी के साथ खड़े हों। उनका जो आदर्श जीवन रहा है, जो 25 साल तक कानून से भागा रहा, जिसके ऊपर 5 लाख का पुरस्कार घोषित रहा, आज सत्ता की ताकत है जो उनके साथ खड़ी है। आज भी मैं चुनौती के साथ आपको भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को कहता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं की लिस्ट है, उस माफियाओं की लिस्ट में उनका नाम माफिया लिस्ट में है। मोदी जी की डिग्री पे हो सकता है शक हो, मुझे मालूम है कि वो 8 पास हैं और मेरा ड्रॉपआउट भी हाई स्कूल पास है, तो ज्ञान के सवाल पर उससे ज्यादा ज्ञान उसके पास है। ये मत कहिए, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा, जिनके पास समझदारी है और ज्ञान है, जो देश को चला सकते हैं, जिसको मौका देगी जनता। उनका लह गया है, वो झूठ बोलने के एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और झूठ उनका सफल हो गया है। आप उनके कवच बने हुए हैं। वो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ और कबीर दास और गुरु नानक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे, आप उसको भी उछाल देते हैं, नहीं देखते कि 400 साल के गैप में ये महापुरुष कैसे एक साथ बैठ के। तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तो बना के प्रस्तुत कीजिए, हम तो नहीं तो बड़ा 500 अब भी आता है देख करके उनकी चीजों को, शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता। काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिए अगर रिजल्ट आएगा तो, मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन भाजपा हार रही है, कहानी खत्म है। और हिमाचल का भी रिजल्ट देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होने जा रहा। गुजरात, और गुजरात में भी जिस तरह का जो खबरें हैं और जिस तरह का चुनाव हुआ है, अब इस पर निर्भर करता है कि जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के विरोध में गुजरात में पहले चुनावों में बीजेपी विरोधी वोट पड़ जाते थे, अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन के वोट भी बटे हैं और वो केजरीवाल के साथ जुटे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो गुजरात का भी रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है।